السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشوالي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبإذن الله وبإذن الله وبإذن الله. اچھا جی، کیا کہتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں سیشن کو. اینڈ یہ آج کا جو سیشن ہے اس کا ہم ایجنڈے پر بات کر لیتے ہیں. کیپ تھری پی ایم اے ریویژن ورک شاپ फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ कासा. ठीक है जी. अच्छा, स्टार्ट करते हैं बात को. आज का पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर सॉल्विंग टेक्निक पे, कि पेपर में रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, पेपर सॉल्विंग टेक्निक क्या होगी. उसके बाद दूसरे नंबर पे बात होगी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक पे. तीसरे नंबर पे बात होगी हाउ टू यूटिलाइज रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए. और लास्ट में बात होगी स्प्रिंग 2023 के कुछ क्वालिटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ये मुश्किल तरीन सवाल तकरीबन लोगों को फील हुआ पेपर का लास्ट अटेम्प्ट में. और क्वेश्चन नंबर 9 ओवरहेड्स का भी एक बड़ा सवाल था. इन दो सवाल को इंशाल्लाह हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे. बाकी स्प्रिंग 23 के जो क्वेश्चंस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सॉल्व हो चुके हैं. ठीक है जी. तो ये क्या कहते हैं सिनेरियो है हमारे पास. अच्छा, स्टार्ट करते हैं बात को जी. सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर सॉल्विंग टेक्निक पे. ठीक है जी. पेपर सॉल्विंग टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये जो कैफ का पेपर होता है इसमें एक चैलेंज होता है. क्या चैलेंज आपने नोट किया है सर, जो कि अगली हमारी जिसे टेक्निक है उससे भी रिलिंक करता है, मगर जो ज़्यादा लिंक है वो क्या है, वो तो इसको अगर हम देखें तो पेपर में कुछ स्टूडेंट्स को शिकायत होती है कि पेपर जो है वो हमारा पूरा नहीं हो सका. कुछ स्टूडेंट को शिकायत होती है कि गलत सवाल पिक हो गया. कुछ स्टूडेंट को शिकायत होती है कि हम पेपर में पैनिक कर गए. इवन तो कॉस्टिंग का पेपर अब काफ़ी आसान हो गया है अब. ठीक है, मगर अब जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ कि अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं स्कीम में भी ये थोड़ा हल्का हो गया, मगर अभी भी चैलेंजेस हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है पेपर, पेपर बिल्कुल फ्लैट नहीं हुआ ये. ठीक है. अच्छा, तो हम पहले बात करते हैं पेपर सॉल्विंग टेक्निक पे. देखें, जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो सबसे पहले आपने यह करना है कि आपने रीड रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट. ठीक है जी. सबसे पहले क्या करेंगे आप, अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये कुछ मैं क्वालिटी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि सिर्फ ये ना हो कि बातें बातें हो, कुछ हमारा काम भी हो जाए. जी, तो सबसे पहले हमने बात की कि री रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल क्वेश्चन फर्स्ट. पहले आप सारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लें. ठीक है. अच्छा, रीडिंग टाइम में क्या करेंगे, क्या रीडिंग टाइम में हम सारे क्वेश्चन रीड कर लेंगे, बताएं ज़रा क्या करना चाहिए. सवाल है मेरा आपसे, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें ज़रा. क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं, रीड ओनली 2 to 3 क्वेश्चन. इन रीडिंग टाइम, जब रीडिंग टाइम में पहुंचे, बिल्कुल, तो आप सिर्फ 2 या 3 सवालों को डिटेल में पढ़ें. स्टार्ट, डोंट स्टार्ट, इट्स नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना ये जरूरी नहीं है. You may start, you should start from question which is easiest for you. Requirement बढ़ के identify हो जाता है. ठीक है. नहीं, जो आपको आसान लगे आप वहां से शुरू करें.
पेपर में टाइम का मसला आएगा, उसको कैसे करे करने से बात करेंगे, मगर आप मेरी बात समझ लें, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपने रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेनी है ताकि आपको पता चल जाए सवाल किस चीज़ का है। आपने सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं होता, रीडिंग टाइम के दौरान बात हो रही है। और दूसरा ये कि जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करें, नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, आप अपनी किसी सीक्वेंस से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको ईजिएस्ट लगे वहां से स्टार्ट करें। आप मेरी बात समझ गए, क्या ये बात समझ आती है? ठीक है ना, तो क्या जरूरी है कि हम जो है वो सीक्वेंस चले? नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अच्छा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये तो हो गई बात पेपर में, क्या जरूरी है सेक्शन ए पहले करें? जरूरी है क्या? यू मे इवन स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन बी एज वेल। आप चाहें तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन 1 से ही स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें बात ये है कि हमें ना पेपर में अपने आप को बड़ा इजी रखना है, बड़ा कंफर्टेबल रखना है। ठीक है, और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार आपने पेपर रीड करते हुए कोई अजम्पशन नहीं बनानी कि पेपर आसान आ रहा है मुश्किल आ रहा है। डोंट मेक एनी अजम्पशन रिगार्डिंग पेपर यार, ये पेपर सॉल्विंग टेक्निक है। पेपर के दौरान तो आपको नहीं पता ना, आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। डोंट एज्यूम दैट पेपर इज इजी और टफ। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपने खुद से एज्यूम नहीं करना कि पेपर जो है वो आपका इजी आ रहा है या डिफिकल्ट आ रहा है। ठीक है जी, पेपर सॉल्विंग टेक्निक की मैं बातें सेक्शन ए और बी क्यों कर दिया यार, ये आईकैप का मसला है ना। वैसे रहता हम आईकैप को क्या बोले कि क्यों किया, अजीब सी बात नहीं है? आईकैप बोलेगा यार पेपर करना है आपको, आप तरीके से पेपर करो यार, इन बारीकियों में क्यों जा रहे हो? आपका ध्यान इस पे लगना चाहिए कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, इस पे ध्यान लगाने बैठ गए कि सेक्शन ए क्यों बनाया आईकैप ने, सेक्शन बी क्यों बनाया, सेक्शन सी क्यों नहीं बनाया, सेक्शन डी बना लेना चाहिए था, सेक्शन ई हो जाता तो और अच्छी बात थी। तो यार ये तो अजीब सी बात नहीं हो जाएगी लड़के? खैर अच्छा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है ताकि आपको पता चले सवाल किन चीज़ों पे आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन को रीडिंग टाइम में पढ़ना है, सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है आपने। सारे क्वेश्चन को पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि यार जो है ना वो मैं बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक में। ठीक है, अगर सारे क्वेश्चन पढ़ने बैठेंगे तो लगेगा कुछ भी नहीं पढ़ा, जब सारा पेपर पढ़ के बैठेंगे फारिग होंगे तो आपको लगेगा यार वो तो मुझे याद ही नहीं पहले सवाल में क्या पढ़ा। 2 से 3 सवाल मैक्सिमम, 2 सवाल बहुत से बहुत 3 सवाल में मैं कहूंगा कि आप जो है अपना टाइम लगाए फुल रीडिंग रिक्वायरमेंट पढ़ के आइडेंटिफाई कर लें किस टॉपिक का सवाल पहले करना है आपने। फिर दूसरा तीसरा ये कि जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन 1 से शुरू करें, आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 के बजाय जो आपको आसान लगे आप वहां से शुरू करें, जो आपको आसान लगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट एज्यूम दैट सॉरी यू एक और सेक्शन बी से भी स्टार्ट करें। लास्ट में ये बात मैंने कही, डोंट एज्यूम दैट पेपर इज इजी और टफ। पहले से अपनी थॉट ना बना लें कि पेपर आसान है मुश्किल है, अगर आप पहले थॉट बना लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ये कि अगर आप किसी सवाल में स्टक हो जाए तो क्या करेंगे, भी पेपर सॉल्विंग टेक्निक है। इफ स्टक इन एनी वन क्वेश्चन लीव एंड मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? प्रोसेस का सवाल मैंने करा दिया है वैसे स्प्रिंग 23 में। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा आगे बढ़ते हैं।
जी जगह छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, कोई मसला नहीं है। और जब नया क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो नए माइंड से करेंगे, फ्रेश माइंड से करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बगैर परेशानी के करेंगे, फ्रेश स्टार्ट। न्यू क्वेश्चन रिक्वायर फ्रेश स्टार्ट। मेरी बात समझ आ रही है? ये नोट करनी है बातें तो नोट कर लें यार, ये बातें नोट करनी है तो नोट कर लें। अच्छा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करूंगा, मगर इसको पहले नोट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब डिस्कस होने जाएगा। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो अप्रोचेज हैं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के लिए। दो अप्रोचेज हैं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के लिए, एक अप्रोच वन है और एक अप्रोच टू है। गौर से सुनिएगा, ये दोनों अप्रोचेज में बात करना चाह रहा हूँ। एक अप्रोच वन है, जो मेरी आई कैप में एक साहब होते हैं, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी कि भाई आप स्टूडेंट्स को बोलें कि ऐसे किया करें अगर टाइम कम पड़ जाए। और एक अप्रोच टू है, जो मैं आपको, जो अक्सर नहीं हो पाती, तो मैं आपको दूसरी अप्रोच बताऊं। अच्छा, जरा गौर से सुनिएगा। पहली अप्रोच, पहली अप्रोच ये है कि यार, लेट से 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट। ये पुरानी बात है, 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट, ये पुरानी बात है। याद है ना, हमारा पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और हमारे पास 180 मिनट होते हैं, टीचिंग टाइम को अगर साइड में कट दिया जाए तो। अगर 10 मार्क का सवाल आया है तो आपको कितने मिनट मिलेंगे? 18 मिनट मिलेंगे। ठीक है जी, बात समझिएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 18 मिनट नहीं आपके लग रहे, उस सवाल में ज्यादा लग रहे हैं। अब क्या करें, क्या करें? दो अप्रोचेज हैं। अप्रोच वन क्या है? अप्रोच वन क्या है कि इफ टाइम स्पेंड इन क्वेश्चन इज 18 मिनट्स, दैट इज 1.8 मिनट इनटू मार्क्स। अब क्या करें, जैसे ही ये हो जाए, मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रिक्टली कहा है उन्होंने आईकैप के साहब ने कि बच्चे को बोले कि नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए, क्योंकि अगर उसने 18 मिनट लगा दिए तो उनका ये कहना है कि वो अपने हिस्से के मार्क्स निकाल चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं स्ट्रिक्टली 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 आप क्या करें कि यार आप अगले क्वेश्चन में चले जाएं, आप ना जाएं आगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मोल्ड करता हूं कि यार अगर आपको और ट्राई टू एंड विद इन 2 to 3 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर उसको वाइंड अप करें। ये बात हो रही है जैसे ही आपका फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया सवाल, सॉरी टाइम फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया, सवाल नहीं पहुंचा, सवाल अभी चल रहा है। उनका ये कहना है कि यार आप किसी और टाइम का हक ना मारें, किसी और सवाल का हक ना मारें, आप किसी और सवाल को इफेक्ट ना करें, आप इस सवाल को जितना हो गया छोड़ के आगे बढ़ जाएं, जगह छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। उनका आपका कहना, उनका ये कहना है कि यार हर सवाल में पासिंग मार्क्स होते हैं, सवाल हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते, कॉन्सेप्चुअल मार्क्स हर सवाल में होते हैं। अगर बंदे ने क्वालिटी 1.8 के हिसाब से टाइम लगा दिया है, वो अपने रिस्पेक्टेबल मार्क्स निकाल चुका है, अब उसको चाहिए अगले सवाल में जद्दोजहद करे, अगले सवाल में स्टार्ट करे, अगले सवाल में जो है वो मार्क्स निकालने की कोशिश करे। मेरी बात समझ आ रही है? मगर मैं इसमें थोड़ा लीनियंट हो जाता हूँ, कहता हूँ चलो यार 2 से 3 मिनट में केस करो, ट्राई टू एंड विद इन 2 to 3 मिनट। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि अगर आपने हर सवाल में इतना एक्सेस टाइम लगा दिया तो आखिर में जाके आप उन लोगों ने फीडबैक दीजिएगा जो कॉस्टिंग का पेपर देते हैं, वो कहते हैं सर आखिर में जाके एक सवाल दो सवाल का टाइम ही नहीं बचा। ये मिला है फीडबैक आपको कभी कि कॉस्टिंग के पेपर में जब एंड में जाते हैं, एंड के जब 10 मिनट बच जाते हैं तो बोला पता चलता है 2 सवाल बाकी हैं, एंड के जब 5 मिनट रह जाते हैं तो पता चलता है अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। हाँ, पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू, जरा बताएं जरा। बात समझ आ रही है जी? चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करते जाएं ताकि मुझे पता चल जा रहा है कि यार आपको बात समझ आ रही है। अच्छा, एक अप्रोच ये है, अगर कोई बंदा है बहुत डिसिप्लिन से चलेगा तो वो इस अप्रोच को फॉलो करेगा। दूसरी तरफ आप अप्रोच टू पे आ जाएं, टाइम मैनेजमेंट की अप्रोच टू क्या है, अप्रोच टू देख लें। अप्रोच टू ये कि यार आप ना एक फिर अपने जहन से निकाल दें 1.8 को, 1.8 को अपने जहन से निकाल दें। गौर से सुनिएगा जो मैं अगली बात करने जा रहा हूँ। अब लेट से आप कहते हो नहीं सर मुझे ना, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे सवाल कंप्लीट किए बगैर चैन नहीं आता, मैं अगले सवाल पे जा नहीं सकता। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये बात समझता हो कि नहीं सर अधूरा सवाल छोड़ने का दिल नहीं करता, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे कॉस्टिंग हो या एफ वन हो, क्या आप में से कोई ऐसा है? तो आपको फिर दूसरा टोटका बताते हैं। हाँ नहीं सर, पूरा पूरा सवाल करना होता है, वरना तो लगता है कि सवाल किया ही नहीं, लगना लगता है मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, वरना लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। अब सुने,
अब जो लोग अधूरा नहीं छोड़ना चाहते उनके लिए टेक्निक है, ओ भाई आप 1 मार्क इजिकल टू 1.8 को किल कर दो, ये 1 मार्क इजिकल टू 1.8 मिनट आपके लिए धोखा हो जाएगा। अगर आप अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हो, डिसिप्लिन चलते हो, दो 1 मार्क इजिकल टू 1.8 मिनट सही है, अदरवाइज धोखा हो जाएगा आपके साथ। अब ये गौर से सुनना, गौर से सुनना, अब ये कैसे करना चाहिए, अब इसकी टेक्निक थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक टेबल, पेपर के अंदर एक टेबल बनाना पड़ेगा। लेट से आपके पास मार्क्स लेफ्ट कितने, आपके पास टाइम, आपके पास मार्क्स लेफ्ट कितने और आपके पास टाइम लेफ्ट कितना है, रेशियो निकाल लें। छोटी सी टेक्निक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, और फिर क्या कहते हैं, आपने ये अप्लाई करना है। देखो यार, आपने साल में सवाल जब पेपर शुरू किया उस वक्त 100 मार्क्स, जब पहला सवाल कर रहे हो उस वक्त आपको 100 मार्क्स आपके बचे हैं और आपका टाइम है 180 मिनट, तो 1.8 आ रहा है 1 मिनट के लिए, 1 मार्क के लिए आपका 1.8 मिनट है। और अगर आप लेट से 10 मार्क्स का सवाल है, लेट से 10 मार्क्स का सवाल है, तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन गया कितना, ये 15 मार्क का सवाल कर लेते हैं, आपने बड़ा सवाल उठाया, तो ये बन गया कि एस्टिमेटेड टाइम आ गया। मगर ईमानदारी से बताना, जब आप पहला सवाल करने बैठते हो क्या टाइम ज्यादा लगता है या कम लगता है, ईमानदारी से बताना। जब आप अक्सर बच्चा सवाल करने बैठता है तो ऐसा होता है कि नॉर्मली टाइम जो लगता है वो ज्यादा लग जाता है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा लग जाता है, क्योंकि आप पहला सवाल करते हैं, कैलकुलेटर भी दो दफा यूज कर रहे होते हैं, साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं, वर्किंग भी ज्यादा शो करते हैं, और आपने पहला सवाल वो उठाया होता है जो आपको अच्छा आता है, तो आपकी कोशिश होती है इसमें तो सारे के सारे मार्क्स मिल जाएं, ऐसा ही है। अब लेट से आपने एक्चुअली जो टाइम ले लिया वो कितना ले लिया, लेट से एक्चुअल टाइम आपने ले लिया 35 मिनट्स, सही है, 18 मार्क का सवाल था, मगर आपने क्या, 15 मार्क का सवाल था, आपने 27 लिया, 35 मिनट ले लिए। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि क्या दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आपके पास इतना ही टाइम अवेलेबल है 1.8 के हिसाब से। सेकेंड नंबर पे लेट से आप क्वेश्चन कर रहे हैं एक और, अब आप एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी जरूरी नहीं सीक्वेंस फॉलो करें, मगर समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब आपके पास मार्क्स लेफ्ट कितने, आपने 15 मार्क कर दिया, तो अब आपके पास मार्क्स लेफ्ट है 85, गौर से सुनिएगा। अब आपके पास 85 मार्क्स बचे, मगर टाइम कितना बचा है, टाइम 180 नहीं बचा, 180 में से 35 आप उड़ा दें, ये आपके पास बचा है 145, कितना 145 के कितना के हैं, 45 या 55, 35, 145, 145। अब आप मुझे बताएं कि 145 मिनट रहते हैं और आपके पास 85 मार्क करने को है, जरा डिवाइड करके देखें नया रेट क्या आ रहा है, नया रेट क्या आ रहा है, अब नया रेट 1.8 नहीं आएगा। अब आपके पास जो मार्क्स बचे हैं 85, उसके लिए आपका टाइम 145 है, तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताएं, मेरे सामने भी कैलकुलेटर है, 1.7 आ रहा है, 145 डिवाइड बाय 85, 1.71 मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप 1.8 के हिसाब से करेंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली छूटेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बंदा पूरे पेपर में 1.8 के हिसाब से सारा काम कर रहा होता है, हालांकि उसका टाइम बहुत सारी जगह पे लीक हो रहा होता है, बहुत सारी जगहों में वेस्ट हो रहा होता है, बहुत सारी जगहों में एक्सेस लग रहा होता है, मगर वो 1.8 में स्टिक रहता है, जो कि गलत बात है यार, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। अब आपने अगला सवाल किया, लेट से वो 10 मार्क का सवाल है, तो आपको 17 मिनट लगने चाहिए, अब आपने उसमें भी 20 मिनट लगा दिए, अब आपने उसमें भी कितने लगा दिए, 20 मिनट लगा दिए। अब मुझे बताएं अगले सवाल के लिए कितना टाइम बचेगा आपके पास, अगले के लिए क्या 1.8 है, अगले सवाल के लिए अब आप जाएंगे तो शायद 1.8 या 1.7 भी नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ भी आपने 3 मिनट एक्सेस लगा दिए हैं, मेरी बात समझ आ रही है। अब आपके कितने मार्क्स बचे हैं, अब आपके पास मार्क्स बचे हैं 75, और अगर टाइम कितना बचा है 125, 125 को जरा 75 से डिवाइड करें तो एक नया रेट आएगा, मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये छोटा सा टेबल आप पेपर में बनाओगे इससे फायदा ही होगा, 1.67 आ रहा है, कि आप फिर परेशान नहीं होगे, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी, आपको 25 मिनट में ये सवाल करना है, लेट से इसमें भी आपने 30 मिनट लगा दिए, तो अब आप जब चौथे सवाल पे जाओगे, आप मेरी बात समझ रहे हो, तो हो क्या रहा है, आपकी जो स्पीड है वो अपडेट होनी चाहिए। 1.8 से पहली दफा आपको मिलता है जिंदगी में, पहले सवाल के लिए आपको 1.8 मिलता है, उसके बाद आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हकीकत में बात की जाए तो आपको उसके बाद 1.8 मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप पहले सवाल में हमेशा ज्यादा टाइम लगाते हो। मैं क्या, आप क्या, कोई भी बंदा बैठा हो ना, कोई भी बंदा बैठा हो, पहले सवाल में हमेशा टाइम थोड़ा ज्यादा लग ही जाता है, अनटिलेस कि आपने कोई थ्योरी का सवाल कर लिया जिसमें टाइम कम बच, जिसमें टाइम बच जाता है, मेरी बात समझ आ रही है। एक मैं और करके दिखाऊंगा, लेट से अगला सवाल अब मैं करने जा रहा हूँ, अब अभी 60 मार्क बचे हैं और अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट बच गए, 95, 95 को 60 डिवाइड करें आता है 1.6,
10 मार्क का सवाल है, 16 मिनट मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि हर, अब आप देख रहे हैं 1.8 तो किल हो चुका, तो इससे फायदा क्या होगा? अब आप होगा क्या, अब होगा क्या कि आपका टाइम फिर एंड में कम तो पड़ रहा है, मगर ज्यादा कम नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर निकल के बोलोगे मेरा 20 मार्क छोड़ गया, कोई बोलेगा मेरा 25 मार्क छोड़ गया, कोई बोलेगा मेरा 30 मार्क छोड़ गया। नहीं, आप इस टेक्निक से चलोगे आपका मुश्किल से 5 से 10 मार्क का छूटेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ये उन लोगों के लिए जो कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर ज्यादा बेहतर अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि यार ये बुरी अप्रोच नहीं है कि आप सवाल को वही 2-3 मिनट के अंदर क्लियर करो यार, ताकि नौबत ही ना आए, ताकि आपका 1.8 बिगड़े ही नहीं। भाई देखो ना, अगर आप हर सवाल में उतना ही टाइम देते हो, एलोकेटेड टाइम देते हो 1.8 के हिसाब से, तो मेरी हमेशा 1.8 ही रहेगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब BFD में भी आता है, मैं BFD पढ़ाता हूँ, वहां भी ये इशू है। सही है, तो पेपर में ख्याल करेंगे। चलो जी, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक पे हमने बात कर ली, इसको नोट कर लेना भाई, इसको नोट कर लेना। अप्रोच 1 कि आपने नेक्स्ट पे प्रोसीड कर गए, और अप्रोच 2 के नहीं यार, आपने फिर क्या किया, स्पीड को अपडेट किया, रेट को अपडेट किया, टाइम को अपडेट किया। क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन, नोट करें।